हे एवरी वन वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विच शे फालियर गाय स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लेकिन इसके बावजूद मैक्सिमम लोग इससे बहुत डरते हैं और रीजन है इसकी वॉलेटिलिटी बट जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने अच्छे से रिसर्च की है तो इससे अच्छे रिटर्न और कहीं नहीं मिल सकते अगर आप रिसर्च अच्छे से करते हो तो कोई अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट अगर किसी रीज़न से गिरी है तो गिरने के पहले उसने सिग्नल्स दिए हैं गिरने के ये ऊपर आई बटन में वीडियो आ रहा है उसमें तो मैंने आपको बताया था इसके अलावा अगर एकदम से बहुत अच्छी स्क्रिप्ट गिर गई है तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जब आपको उसे ले कर एक्यूमुलेट कर लेना है और फ्यूचर में वो बढ़ के आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है बट इम्पॉर्टेंट ये है कि रिसर्च करके ये जानना कि क्या उसका रीज़न था गिरने का और क्या अब यहाँ से ये और नहीं गिरेगी और क्या इसमें वापस बढ़ने का पोटेंशियल है अगर रिसर्च करके आप इस तरह से स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर पाओ तो आपको बहुत जल्दी बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिल सकते हैं उसके अलावा जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है अच्छी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाने के लिए ऐसी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना जो आपको स्टेबिलिटी भी दे ग्रोथ भी दे कुछ ऐसी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना जो मोमेंटम भी दे आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी दे ये पूरा एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो बनाना एक बहुत अच्छा टाइम है ये जब आप स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ़ कोविड इंडियन स्टॉक मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है और ये फेज़ कंटिन्यू रहेगा अगले दो तीन महीने तो इस टाइम पे ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है जब आप स्टार्ट कर सकते हो इसमें इन्वेस्ट करना और फ्यूचर में अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अभी अगर आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं तो गाइस आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे ऐसी तीन स्क्रिप्ट्स जो किसी ज़माने में बहुत अच्छी कंपनीज हुआ करती थी और फिर वो गिर के बहुत बिल्कुल डीलेस टाइप उनके बहुत कम रेट्स हो गए उसके बाद थोड़ा उन्होंने वापस बढ़ना स्टार्ट करा है तो ये तीन बज़िंग स्टॉक्स जिनके बारे में मोस्ट ऑफ दी लोग जानना चाहते हैं कि क्या इसमें अब उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए इन तीनों को हम एनालाइज करेंगे और फिर अपने कंक्लूजन तीनों के लिए निकालेंगे तीन स्क्रिप्ट है ओनीडा वीडियोकॉन एंड बी लेकिन उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब और बेल बटन दोनों प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी रिसर्च से आप बेनिफिट हो सके मैं आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने में आपकी हेल्प करूं या आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को रिव्यू करके रीस्ट्रक्चर करने में हेल्प करूं या फिर आपको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में हेल्प करूं स्टॉक मार्केट से या फिर हर महीने एक मल्टी बैगर पिक दे दूँ जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे या फिर ऐसे बहुत सारे दूसरे प्लान्स में से किसी प्लान से अगर आप बेनिफिट होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है आप हमें इंटरेस्टेड होने पर व्हाट्सएप कर सकते हैं नाइन एट टू वन सिक्स डबल वन डबल सिक्स सेवन पे या फिर आप मेल कर सकते हैं इनविस्टोपीडिया इंडिया जीरो ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप किसी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है तो वो आप लिख सकते हैं अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं मुझे वो लिख सकते हैं अगर आप बताना चाहते हैं कि आप आगे किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स एक तरीका है जिससे आप मेरे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं सो गाइज नाउ लेट स्टार्ट विथ टूडेज़ वीडियो सो आर फर्स्ट कंपनी एम इलेक्ट्रॉनिक्स आर ओनीडा ये सुन के आई एम श्योर आप सबको टीवी का वो एड याद आया होगा जिसमें डेविल आता था वो सिंग वाला दिस ah! oh, this द लाइक इन in my childhood आई remember इट सो वेरी वेल वो एड इतना आता था और आप किसी भी शॉप पे जाओ इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे तो ओनिडा के ही टीवी की यू नो लाइन लगी होती थी और उस पर वही वाला एड प्ले होता रहता था ओनीडा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वॉज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज अगर आपके पास ओनीडा है ओनीडा का टीवी है तो ये एक अचीवमेंट वाली बात होती थी अगर आपके पड़ोस में नेबरहुड में कोई लेके आया है तो एवरी लाइक तो कि ओ उनका तो ओनीडा का टीवी है एंड दिस ओनिडा यूज्ड इट एज अ वेपन ये जो एन वाली फीलिंग थी उनका वो जो डेवल था ये इस तरीके से उन्होंने अपने आपको बहुत अच्छे से पोजीशन करा था एंड दे वर अमंग द मार्केट लीडर्स लेकिन उसके बाद ओनिडा से हुई कुछ गलतियाँ इसका करंट मार्केट प्राइस है वो है सिक्सटीन रुपीज एटी फाइव पैसा मतलब जो चार रुपये नब्बे पैसे का बॉटम इसने टच किया था उससे अब ये रिकवर कर गया है तो आप में से बहुत सारे लोगों के शायद पोर्टफोलियो में ये होगा भी क्योंकि बहुत सारे लोग इस व्यू के है कि सिंस ओनिडा वाज अ वेरी गुड कंपनी तो ये एक अच्छा टाइम है जब हम इसे एक्यूमुलेट कर ले और फ्यूचर में हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं तो आज हम वही एनालाइज करेंगे कि क्या ऐसा है क्या आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए देखिए ओनिडा बहुत अच्छी कंपनी थी मार्केट लीडर थी पोजिशनिंग उसकी बहुत अच्छी थी सब कुछ अच्छा था तो क्या प्रॉब्लम्स हुई क्यों वो कंपनी का इतना डाउनफॉल आया सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है तो देखिए पहले के टाइम ताँग पे एक कंपनी को अपना प्रोडक्ट पोजीशन करने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था वो था टेलीविज़न टेलीविजन पे जो एड्स आते हैं तो ऐड एजेंसीज़ यूज्ड टू चार्ज कंपनीज अ बॉम्ब और वो अकॉर्डिंगली अपने एड्स बना के प्रोडक्ट को ऑडियंस के सामने प्रोजेक्ट करते थे और इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता था ऑडियंस पे इमेज का तो ओनिडा ने बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी एड एजेंसीज चेंज करी ना हर ऐड एजेंसी का अपना एक तरीका होता है ब्रांड इमेज क्रिएट करने का सो देआर ओनिडा लॉस्ट इट्स ब्रांड प्रेजेंस इन कस्टमर्स उसके बाद सेकेंड उसने खुद ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया इवेंचुअली ओनिडा की कंपनी है जो ओनिडा के ओनर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यस और नो करना चाहिए था कि ये ऐड मैं शो करूँगा रन करूँगा ये नहीं करूँगा ऐसा कुछ नहीं हुआ उन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट करा ऐड एजेंसीज़ पर और उनको भी वो बार बार चेंज करते रहे उसके बाद उन्होंने कंपटीशन पे ध्यान नहीं दिया ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बैड फाइन वो मार्केट लीडर थे बट उस टाइम पे लिबरलाइजेशन का टाइम था बाहर की कंपनीज इंडिया में आई बाहर की कंपनीज बेटर टेक्नोलॉजी कम कॉस्ट में लेके आई तो ऑब्वियसली लोगों का इंक्लिनेशन उसकी तरफ बढ़ा यूनिडा को उस टाइम पे चाहिए था कि वो अपनी आर एंड डी इंक्रीज करके अपनी टेक्नोलॉजी बेटर करें या फिर अपना कॉस्ट कम करने पर वर्क करें पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा ब्रांडिंग की अगर बात करें तो भी जो ये नई कंपनीज आई वो बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स लेके आई लेकिन ओनिडा ने वैसा कुछ नहीं किया बड़ी कंपनीज ने किसी ने अमिताभ बच्चन को किसी ने अभिषेक बच्चन को किसी ने आमिर खान को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया लेकिन ओनिडा ने ऐसा नहीं किया उसके अलावा जो बाहर की कंपनीज आई वो डाइवर्सिफाइड थी इलेक्ट्रॉनिक्स में दे यूज़ टू तो सेल टेलीविजन दे यूज़ टू तो सेल वॉशिंग मशीन दे यूज़ टू तो सेल एवरी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लेकिन ओनिडा वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाई ओनिडा का एक सेट कस्टमर बेस था एक जो जनरेशन थी वो ओनिडा से इम्प्रेस्ड थी लेकिन उसके बाद जो आने वाली जनरेशन थी देखिए आप जब भी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं तो जनरली यंगर जनरेशन जो होती है वो डिसीजन मेकर होती है या वो डिसीजन इन्फ्लुएंसर होती है तो ये जो यंगर जनरेशन के साथ कनेक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में ओनिडा वो नहीं कर पाई ओनिडा अपने आप को चेंज नहीं कर पाई आपने चार्ल्स डार्विन का सुना होगा एक थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो ये कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग एंड चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस इंडस्ट्री है तो उस पेस के साथ में ओनिडा अपने आप को चेंज नहीं कर पाई और इसीलिए सर्वाइव नहीं कर पाई अगर आज की डेट में हम ओनिडा की स्ट्रेंथ की बात करें तो कैश फ्लोज अच्छे हैं उनकी लास्ट टू क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस अच्छी है जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो अच्छा है उन्होंने रिसेंट में जे के साथ कोलैब किया है जिसकी वजह से उनको जो टेक्नोलॉजिकल एज है वो मिल गई है जो रिसर्च है जिसमें वो लेड बैक कर रहे थे उसमें जे वी सी इज़ हेल्पिंग द आउट दे हैव नाउ एंड इन टू डाइवर्सिफिकेशन अब वो टी वी भी लेकर आए हैं वो ए सी भी लेकर आए हैं वो वॉशिंग मशीन भी लेकर आए तो एक फेयर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी उन्होंने करा है जो ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसमें ओनिडा इज अमंग द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओनिडा का जो ब्रांड रिकॉल है वो बहुत स्ट्रांग है जैसे मैंने बोला आप जब भी कोई हम में से ओनिडा सुनता है तो एकदम से उसको रिकॉल करते हैं वो डबल वो ब्रांड प्रेजेंस अभी तक है ओनिडा की अगर हम बात करें वीकनेसेस की तो ओनीडा के साथ में जो सबसे बड़ी वीकनेस है ना जो पहले थी वो आज भी है कि वो प्रॉपर अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाता अब हम में से बहुत कम लोग जो ये जानते हैं कि ओनीडा अब डाइवर्सिफिकेशन कर चुका है अब ओनीडा टीवी के अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेच रहा है आर एन डी इवन दो उन लोगों का जे के साथ में टाइप हो गया है उसके बावजूद भी इट्स नॉट अप टू द मार्क या फिर कॉम्पिटिटर्स के लेवल की नहीं है जो फाइनेंशियल्स है वो वीक है बहुत सारा डेट है तो इंटरेस्ट लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है ब्रांडिंग पोजीशनिंग, पेनिट्रेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कह सकते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस बहुत वीक है कंपनी की एंड इन सारी चीज़ों की वजह से वो जो चाम होता है कंपनी में उसके प्रोडक्ट्स को लेने में वो चाम ओनीडा ने खो दिया है सर्वाइवल के लिए अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेचने के अलावा दे आर डूइंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंपनीज का वो लोग बना के प्रोडक्ट दे रहे हैं उनके ब्रांड नेम में सो दिस इज़ गुड फॉर दे सर्वाइवल बट ऑफ कोर्स इसके बेसिस पे कोई बहुत अच्छा फ्यूचर उनका नहीं होने वाला या जो इतनी ज़्यादा डेट लाइबिलिटीज़ है वो नहीं पे ऑफ होने वाली तो अभी ओनिडा एक ऐसी वर्ष पर है कि अगर वो अपना मेक ओवर कर लेते हैं कोई बहुत अच्छा मैनेजमेंट यू नो हायर प्रोफाइल्स पर किसी को वो हायर कर लेते हैं या कुछ एकदम टर्न अराउंड अगर कंपनी में आ जाता है तो वो बहुत अच्छा कर सकता है अदरवाइज इफ़ यू आस्क मी मैं अभी ओनीडा में इन्वेस्ट नहीं करूँगी मुझे उससे बेटर ऑप्शन दिखते हैं मार्केट में तो ऑल्दो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वुड बी वेरी लेस बट फिर भी आई वुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन कमिंग टू द second पिक ऑफ today's दैट इज is BPL. Now लेट्स talk about BPL ब्रिटिश फिजिकल Laboratories लिमिटेड सो so, guys अगर हम बात करें इस कंपनी की 2000 में इसका प्राइस था फोर 2013 एंड में इसका प्राइस था सेवन पैसा एंड आज की डेट में इसका प्राइस 39 है 39.20 रुपीस. BPL एक ऐसी कंपनी है जो मिस्टर नाम्बिया ने लॉन्च की थी एंड दिस वाज द पाएर कंपनी एंड वॉज वेरी सक्सेसफुल सबसे पहले जब लॉन्च किया गया बी पी एल को तो डिफेंस सेक्टर को ये पैनल मीटर्स प्रोवाइड करते थे मेडिकल इक्वमेंट्स में इनकी मास्ट्री थी बहुत अच्छे मेडिकल इक्वमेंट्स बनाते थे बट दे वेंट फॉर डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक टी वी वॉशिंग मशीन फ्रिज एक्सेट्रा और वहाँ पर वो फेल हो गए उसके बाद में इन्होंने एक जापान की कंपनी सैन्यो के साथ में कोलैब किया वो बहुत बुरी तरह फेल हुआ एंड देन स्टार्टेड द डिक्लिनेशन फेज ऑफ दिस कंपनी 1990s में फिर फॉरेन की बहुत सारी ब्रांड्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गई उनके साथ में प्रॉपर तरीके से कॉम्पीट ये नहीं कर पाए टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं कर पाए फिर इनका इंटरनल फैमिली डिस्प्यूट बहुत स्टार्ट हो गया जो एल्डर नामगियार थे उनका अपने सन इन लॉ के साथ में बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेस एंड ऑल चल रहे थे तो इनका बहुत सारा पैसा और टाइम उसमें चला गया और एनर्जी उसमें चली गई जो प्रॉपर फोकस इनका अपना बिजनेस डेवलपमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कॉम्पिटिशन से आगे निकलने में लगाना चाहिए था जो पैसा जो एनर्जी जो टाइम वो ये आपस के डिस्प्यूट्स में इन्होंने लगा दिया खो दिया वो टाइम सो बेसिकली बिकॉज जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आर एंड डी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करने पे ध्यान ना दे के आपस के डिस्प्यूट्स में लगे रहने की वजह से बीपीएल का एक डाउनफॉल आया अगर आज की डेट में हम स्टूडेंट्स की बात करें तो अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है कंपनी का जो मेडिकल इक्विपमेंट्स में इनकी मास्टरी है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि इस टाइम पे कोविड की वजह से मेडिकल से रिलेटेड यू नो मेडिकल इक्विपमेंट्स ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम में भी ज़्यादा रहने वाली है तो अगर ये उसी में स्पेशलाइज़ करके अपनी जो स्पेशलाइजेशन है उसका फ़ायदा उठाए तो ये इनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कैश फ्लो इनका बढ़ रहा है ज़ीरो प्रमोटर प्लेज कंपनी है ये जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो इनके प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहे हैं देखिए अगर मैं देखूं बीपीएल तो उसकी मुझे स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रही है एज़ कंपेयर टू वीकनेस और जो सबसे बड़ी बात है मेडिकल इक्विपमेंट्स में इतने सालों से जो इसकी मास्टरी है वो अभी मुझे एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगता है तो मुझे लगता है कि बी पी एल एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन अफकोर्स जो आपका रिस्क कैपेटाइट है आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट करोगे जैसे मेरा जनरली ये मानना है कि मैं सेफ uh, चलने में यकीन रखती हूँ लॉसेस बिल्कुल ना हो उस तरह का मेरा स्ट्रेटेजी रहती है तो मैं इसमें एक बहुत छोटा सा अमाउंट लगाऊंगी कि जो मैं लगा के भूल जाऊँ नाउ कमिंग टू द थर्ड पिक ऑफ टूडेज वीडियो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज फ्रॉम पैन टू डिफॉल्ट क्या ऐसा हुआ कि ये पाइनर से डिफॉल्टर बन गया वीडियोकॉन कंपनी स्टार्ट की थी 1986 में तीन ब्रदर्स ने उन्होंने कंपनी का नाम रखा था अधिगम ट्रेडिंग 2008 में इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था एट सिक्सटी सिक्स रुपीज वेयर इन टू में ये रह गया था एक रुपये यस yes, एट से एक रुपये ये रह गया था और आज के डेट में ये ट्रेड कर रहा है फोर रुपीज फिफ्टी पैसे पर तो क्या ऐसा हुआ कि ये इतना गिर गया और क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए सो so, इनटीन एटी सिक्स थ्री ब्रदर्स स्टार्टेड अ कंपनी नेम्ड अधिगम ट्रेडिंग और जिसमें वो पेपर ट्यूब्स बेचते थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें डायवर्सिफाई करना है और उन्होंने टी वी सेट्स और वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया जिसमें वो इंडिया में फर्स्ट कंपनी हुई जिनको लाइसेंस मिला टी वी मैन्युफैक्चर करने का लेकिन वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं हुए और उन्होंने फर्दर और डाइवर्सिफिकेशन किया उन्होंने ए किया उन्होंने रेफ्रिजरेटर बनाना स्टार्ट किया उन्होंने वॉशिंग मशीन बनाना स्टार्ट किया 1990s में ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक का डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए उन्होंने फर्दर डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट किया उन्होंने डी बनाना स्टार्ट किया उन्होंने टेलीकॉम रिटेल ऑयल एंड गैस ऐसा कोई सेक्टर नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने अपना प्रेजेंस बनाने की कोशिश नहीं करी अब इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऑफ कोर्स बहुत सारा पैसा चाहिए था क्योंकि वो बहुत जल्दी कर रहे थे ऐसा नहीं था कि एक किसी फील्ड में अपना पैर जमाने के बाद बहुत सारा फंड्स एक्यूमलेट करने के बाद वो सेकंड उस, उस पर जा रहे हैं वो एक साथ सब कुछ फैलाते जा रहे थे जिसकी वजह से फंड्स अवेलेबल नहीं थे और उन्हें बहुत सारे लोन्स लेने पड़े इन लोन्स लेने की वजह से इंटरेस्ट लाइबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई प्लस हर फील्ड में अपने कॉम्पिटिटर है आप किसी एक फील्ड में भी मास्टर नहीं हो होर जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर इन नन तो धीरे धीरे उनका फेलियर का टाइम आया इस वजह से जो उनके नए वाले प्रोजेक्ट्स थे जो उन्होंने एक्सपेंड किए थे विदाउट प्रॉपर एक्सपर्टीज विदाउट प्रॉपर नॉलेज वो फेल होने लगे उनके फेल होने की वजह से उनकी लाइबिलिटी और बढ़ने लग गई हर तरफ से हर बिजनेस में फॉरेन ब्रांड्स आने लगी जो अपने काम में एक्सपर्टीज थी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी थी प्राइज बहुत कम ऑफ़र कर रही थी तो वो उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए जो नया उन्होंने डी टी एच ऑयल एंड गैस वाला सेक्टर में तो लूज़ करा ही है जो उनका पुराना था इलेक्ट्रॉनिक्स या वॉशिंग मशीन टीवी जिसमें वो पैनिर थे उसमें भी वो अपनी एज अपनी वो लूज़ करने लगे उनके कंप्यूटर्स उनसे बेटर करने लगे उसके बाद में जो उनका इतना डेट बढ़ता गया वो उनको लेके गया बैंक की कगार पर एंड आपको पता होगा सी बैंक की जो सी थी मिस्टर चंदा कोचर उनके ऊपर ये केस हुआ था कि उन्होंने वाज नॉट वर्थ स्टिल उसे बहुत बड़ा एक लोन दिया था द अमाउंट वॉज एटीन हंड्रेड और वो सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे जो ग्रुप प्रमोटर थे वीडियोकॉन कॉन के मिस्टर धूत उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर मिसेस चंदा कोचर ये जो लोन है ये अप्रूव कर देती है तो मिस्टर चंदा कोचर के हस्बैंड के बिजनेस में मिस्टर धूत वुड इन्वेस्ट तो जिसकी वजह से मिसेस कोचर को रिज़ाइन करना पड़ा आई आई आए बैंक से और ये बहुत ज़्यादा यू नो पब्लिसिटी में आया ये फ्रॉड और उसके बाद में बहुत सारे लीगल केसेस uh, वीडियोकॉन के प्रमोटर्स के अगेंस्ट कोर्ट में चल रहे हैं तो अगर हम आज की डेट में बात करें स्ट्रेंथ की बात करें थर्टीन कंपनीज का इंसॉल्वेंसी केस चल रहा है जो बहुत जल्दी कंक्लूड हो सकता है और अभी करंट में वेदांता ग्रुप टेकिंग ओवर द इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर ऑफ वीडियोकॉन ग्रुप बट द लीगालिटीज है नॉट बीन फिनिश्ड येट मे बी टाइम कैन कम वैन वीडियोकॉन विड सी अ टर्न ओवर बट अगर वीकनेस की बात करें तो वो लिस्ट बहुत लंबी है कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है बहुत वीक है नेगेटिव कैश फ्लो लो सेल्स ग्रोथ हाई प्रमोटर प्लेजिंग रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन लीगल केसेस डिक्रीज इन कोर सेगमेंट इनकम फ्रॉम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड वॉट नॉट अगर आप पूछे मुझसे कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वीडियो कॉन में माय आंसर वुड बी अस्ट्रिक्ट नो मैं वीडियोकॉन में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करूँगी और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि वीडियोकॉन में बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए अगर इन तीनों की बात करें वीडियो इज इज़ अस्ट्रिक्ट नो ऑन डिपेंड्स ऑन यू मैं नहीं करूँगी बी पी इज अ गुड वन उसमें आप कर सकते हैं मैं करूँगी लेकिन बहुत कम परसेंटेज सो दिस वॉज अबाउ टू डेज़ वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा अगर ऐसा है प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू सो मच